Hello students, welcome in RC Education Hub online class. Dear students, अपना टॉपिक रनिंग में है डिफरेंशिएशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने थ्योरी देन कैलकुलेशन इसकी अपन ने क्लियर कर ली थी. अब इससे रिगार्डिंग आपका न्यूमेरिकल है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. ध्यान से समझिएगा, जो न्यूमेरिकल गिवन है टोटली बेस्ड है आपका किस पे, फॉर्मूला बेस्ड. फॉर्मूला अगर अपन को फाइंड आउट है तो अपन को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सी वैल्यू किस टर्म की है, वो वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना अगर आता है तो इस न्यूमेरिकल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपकी ऑन डिजोल्विंग 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर, कितना गिवन है 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका सोल्यूट हुआ राइट. इन 1000 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन क्या हो गया आपका सोल्वेंट. द डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 0.68 केल्विन. मैंने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी तब आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफ्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये आपको या तो डायरेक्टली गिवन होगा या फिर इनका जो टीएफ नॉट और टीएफ, या अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें टीबी और टीबी नॉट वो गिवन है तो वैसे आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए. या डायरेक्टली गिवन है तो अपन कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब इसमें कह रहा है आपका कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर. ध्यान दीजिए बेटा, इसमें थोड़ा सा एडवांस अपन ने काम कर लिया. मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर यहाँ फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे. Kf is equal to 6.8 Kelvin kg mole inverse. Kf that is the depression freezing point constant given है आपका Kelvin kg per mole. यहाँ पर मैं आपको इस यूनिट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कहाँ से आई समझ में आ जाएगा. सबसे पहले अपन बात करते हैं गिवन क्वांटिटी क्या है. देखो अगर आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका बिल्कुल ओके होगा तो आपके कहीं भी मार्क जो होंगे गलत नहीं होंगे, क्लियर. गिवन क्वांटिटी आप स्टार्टिंग से देखो 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर, दैट मीन्स ग्राम मास ऑफ सल्फर राइट, किसका हुआ ये सोल्यूट है डब्ल्यू बी, कितना 25.6 ग्राम. क्लियर, ग्राम मास ऑफ सोलवेंट देख सकते हो आप क्या दे रखा है आपको नेफ्थलीन, इतनी जो नहीं है अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है तो वो क्या है आपका डब्ल्यू ए. इसमें गिवन बेटा देखो ग्राम में गिवन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यह 1000 है वैसे ही 1000 वहां रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है. आपको केजी में गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या करना है पुट अप करना है. आगे देखो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 0.68 केल्विन, इसका मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 0.68 केल्विन. के आपको गिवन है, क्लियर. आप लिख सकते हो वी नो डेट, वी नो डेट. आपको फाइंड आउट क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अपन यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे पहले बोलर मास, क्या करेंगे बोलर मास. तो वी नो डेट एम बी इज इक्वल टू Kf अपॉन डेल्टा टी एफ डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इन टू 1000. बात क्लियर है, एम बी इक्वल टू Kf अपॉन डेल्टा टी एफ इन टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इन टू 1000. सारी चीजें आपके सामने क्लियर है. देखिए वैल्यू पुट अप कीजिए, Kf ये अपने पास में है, कितना गिवन है 6.8, क्लियर. डेल्टा टी एफ कितना गिवन है 0.68,
जब आप वैल्यू पुट अप करो तब यूनिट आपको नहीं रखनी है। डब्ल्यू बी कितना गिवन है 25.6 क्लियर। और डब्ल्यू ए कितना है आपका 1000 और इनटू क्या गिवन है 1000। बात क्लियर है, सारी वैल्यू यहां से रिप्लेस हो जाएगी अपने पास में और अपने पास में एम भी आएगा 256 ग्राम पर मोल राइट। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर तो देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर को अपन किससे लिखेंगे, एस एक्स, एस फॉर सल्फर, एक्स यहां पर कितना नंबर होगा 1, जैसे अपन C2, C4, S2, N2 इस तरीके से यहां पर ये फॉर्मूला फाइंड आउट होगा। तो देखिए इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, मोलर लिखो या मॉलिक्यूलर लिखो बात होती है, मोलर मास इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या जाएगा 32, मोलर मास इक्वल टू क्या जाएगा एक्स इंटू 32। 32 क्या है आपका एक सिंगल सल्फर एटम का मोलर मास है। यहां पर एक्स जितने नंबर होंगे उन नंबर अकॉर्डिंग टोटल मास अपने पास आ जाएगा। तो देखिए मोलर मास कितना है अपने पास में 256 इंटू एक्स इंटू 32, तो अपने पास में एक्स इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास में देखो 256 अपॉन 32, एक्स इक्वल टू कितना है अपने पास में 8, तो फाइनल आंसर जाएगा आपका एस 8 क्लियर। तो अपने पास में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करवा रहा है वो क्या होगा आपका एस 8। ये बात क्लियर है, तो ये आपका क्या है कंप्लीट न्यूमेरिकल है। इसके नीचे आपको नोट्स में एक न्यूमेरिकल और गिवन है, उसको आपको खुद को सॉल्व करना है क्लियर। वो आपको एचडब्ल्यू में प्रैक्टिस के लिए गिवन है। अब मैंने आपसे चीज कहा था इसमें कि जो अपने पास में केएफ या केबी की जो यूनिट आती है, कई बार आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी और केएफ, इसके बारे में पूछ लेता है, केबी और केएफ की यूनिट के बारे में आपसे पूछ लेता है। तो देखिए आप सिंपल वे में दोनों कंबाइन करके बता रहा हूं मैं आपको, आपको अगर ध्यान हो तो देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलिलिटी राइट। और अभी जो फॉर्मूला आया है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी, दोनों सेम है। तो देखिए इसी का भी निकाल लीजिए, जैसे मैंने आपको लिखा के एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपका डेल्टा टी एफ अपॉन मोलिलिटी, इससे रिगार्डिंग आएगा तो क्या जाएगा के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन मोलिलिटी, ये फॉर्मूला जाएगा आपका। यहां से देखो निकालो आप टेम्परेचर चाहे डिफरेंस हो या पर्टिकुलर हो, टेम्परेचर क्या होगी आपकी के बी, मोलिलिटी क्या होती है मोल, क्या होती है बेटा के एम इक्वल टू टी एफ अपॉन मोलिलिटी। तो यहां पर अपने पास में क्या जाएगी केल्विन अपॉन मोल पर केजी, क्या जाएगा मोल पर केजी क्लियर। तो यहां पर अपने पास में क्या होगा के एफ इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल, ये आपकी होने लगती है तो डाउट है ऐसे के बी क्या जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी यूनिट कई बार आपको के बी या के एफ ऐसे नहीं देगा आपको, राइट द यूनिट ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या
एलिवेशन बर्निंग पॉइंट पहुंचते हैं। ये तो आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग सारे डिस्कशन थी जो मैंने आपसे की है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।